नमस्कार मित्रों, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने दूसरे किसी विदेशी धरती का दौरा किया हो। जी हां मित्रों, पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के यात्रा पर भूटान गए हुए थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन से स्पेशल परमिशन लेकर प्रधानमंत्री को यूं अचानक भूटान का दौरा करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे से कुछ दिन पहले ही भूटान से उनके काउंटर पार्ट दानसो शेरिंग तोंगे अपनी 5 दिन की भारत यात्रा अभी जस्ट पूरी करके ही गए थे। उन्होंने किंग जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक के तरफ से प्रधानमंत्री को उनके देश जाने का न्योता दिया था। भूटान और भारत के बीच रिश्ता बहुत पुराना है। ऐसे में यह न्योता क्या इस वजह से दे दिया गया था क्योंकि चीन इन दिनों डोकलाम प्लेटो को लेकर भूटान को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, और अगर भूटान इसे मान लेता है तो यह भारत के सिक्योरिटी के लिए सीरियस थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि डोकलाम प्लेटो भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत ही नजदीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है और ये भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क मार्ग भी है। डोकलाम से पीएलए का चिकन नेक पर नजर रखना बहुत ही आसान बना देगा। ऐसे में हो सकता है अपने भूटान दौरे में इस इशू को लेकर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि $25 मिलियन की डिफेंस बजट वाली 8,000 सैनिकों की छोटी सी भूटान रॉयल आर्मी के कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने के विषय में बात हो सकती है। भूटान में डेवलपमेंट की बात हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन बनाना, चाहे गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी का एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसमें भूटान एक स्मार्ट सिटी बनवाना चाहता है उसको आगे बढ़ाने हो, भारत का हाथ हमेशा ही भूटान के सर पर रहा है। चीन के बढ़ते खतरे से भूटान और भारत दोनों ही वाकिफ है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच बातचीत और यात्राओं से, और वो भी इतनी शॉर्ट नोटिस में, ये दोनों देशों के बीच विश्वास को तो बढ़ाता ही है। इसके अलावा ये इस बात का भी संकेत देता है कि भूटान अकेला नहीं है, उसके हर सुख दुख का साथी भारत हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति में भूटान के साथ दृढ़ता से खड़ा रहेगा और खड़ा है। भूटान के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस वैसे तो 1968 से ही है, लेकिन वही चीन के साथ भूटान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी तक उस तरह विकसित नहीं हुए हैं जैसे कि चीन ने भूटान में अपना एम्बेसी खोलने के लिए इच्छा जाहिर की, जिसे भूटान गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं माना है। इस रीजन में भूटान एक लौता देश है जो भारत की चिंता करते हुए चीन के अति महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बना है। भूटान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते भूटान और भारत में व्यापारिक रिश्ता बहुत ही तगड़ा है। यह इस बात से भी पता चलता है कि भूटान के 70% ट्रेड केवल भारत के साथ ही होता है, और वही भारत का इन्वेस्टमेंट भूटान का 50% FDI के बराबर है। भारत लगातार भूटान को ग्रांट भी देता रहा है। ग्रांट यानी कि ऐसा पैसा जिसे भारत कभी भी वापस नहीं लेगा, मतलब ये पैसा भारत ने दान में भूटान को दिया है। जैसे कि भारत ने 12th 5-year plan के तहत भूटान को 5,000 करोड़ रुपए ग्रांट में दिया था, और वही इस साल 13th 5-year plan के तहत भारत भूटान को 10,000 करोड़ रुपए ग्रांट में देने का भरोसा दिया है। इसके अलावा भी भारत भूटान का हाइड्रो पावर प्लांट्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, बैंकिंग से लेकर मेडिसिन और शिक्षा, हर चीज में साथ देने वाला एक दोस्त की तरह खड़ा है। बीते दिनों भूटान में नई सरकार बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भूटान दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। मित्रों, आपको क्या लगता है कि चीन का डोकलाम के बदले भूटान को अपने बॉर्डर डिस्प्यूट वाले बाकी जगह देने की जो बात कर रहा है, और डोकलाम प्लेटो को लेकर जो प्रेशर भूटान के ऊपर क्रिएट कर रहा है, इसके चलते आने वाले दिनों में क्या भारत के लिए चीन के रूप में संकट खड़ी हो सकती है? उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए विदा लेते हैं मित्रों, आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।